आज समाज में महिलाएं पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे आगे निकल चुकी हैं। समाज में भी महिलाओं को आगे लाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में अपना योगदान देते हुए पुणे के 3 छात्रों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के इन 3 छात्रों ने अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन में साड़ी पहनकर सभी को चौंका दिया। ये कदम उठाकर इन छात्रों ने लैंगिक समानता का एक मजबूत संदेश सभी के सामने रखा। इन 3 छात्रों के नाम आकाश पवार, सुमित होनवाजकर और ऋषिकेश सनप है। इन 3 छात्रों का कहना है कि हर बार ये कहा जाता है कि महिलाओं को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने साड़ी पहनी तब इन्हें पता पड़ा कि लेडीजों को साड़ी पहनने में या अन्य कपड़ों को पहनने में और तैयार होने में कितना समय लगता है और कितनी परेशानी होती है। अपने कॉलेज के टाई एंड सारी डे सेलिब्रेशन में बाकी स्टूडेंट ने सिंपल सब्जेक्ट्स को चुना, लेकिन इन 3 स्टूडेंट ने साड़ी पहनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्टूडेंट्स की माने तो उन्हें इन सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करने में बहुत टाइम लगा। साड़ी पहनने, ज्वेलरी कैरी करने में उन्हें अपनी दोस्त श्रद्धा की मदद लेनी पड़ी। YouTube से 3 स्टूडेंट ने साड़ी पहनने के तरीके ढूंढे। सबसे खास बात तो ये है कि इन 3 स्टूडेंट ने इस चीज़ की इंस्पिरेशन रणवीर सिंह से लेना बताया है। इनका कहना है कि उन्हें इस चीज़ की इंस्पिरेशन रणवीर सिंह से मिली है। इन 3 स्टूडेंट ने साड़ी पहनकर लैंगिक समानता के संदेश को क्लियरली सबके सामने रखा। स्टूडेंट के इस कदम की बाकी स्टूडेंट्स ने ही नहीं बल्कि फर्ग्यूसन कॉलेज की फैकल्टी ने भी तारीफ की है और ये 3 स्टूडेंट सोशल मीडिया पर छा गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।